मणिपुर पर विपक्ष गुस्से में है, होना भी चाहिए भाई। बतौर विपक्ष इतने दिन से मणिपुर जल जो रहा है, काले कपड़े भी पहन करके आ गए, करें भी क्यों ना विरोध जो दर्ज कराना है। लेकिन जितने लोग काले कपड़े पहन करके विरोध दर्ज करा रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं उन सभी को आईना दिखाऊंगा, बिना लाग लपेट के और डंके की चोट पर मैं आईना दिखाने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। जितने विपक्षी सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, लेफ्ट के, टीएमसी के, या जो भी 26 विपक्षी दलों वाला गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है, ये इंडिया गठबंधन वाले क्या काले कपड़े पश्चिम बंगाल की हिंसा पर पहनेंगे, क्या छत्तीसगढ़ की हिंसा पर पहनेंगे, क्या बिहार में लाठीचार्ज पर पहनेंगे, क्या बिहार के कटिहार के गोलीकांड पर पहनेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि मणिपुर पर विरोध ना दर्ज कराएं, बिल्कुल दर्ज कराएं। अविश्वास प्रस्ताव की अगर पर चर्चा की अगर मांग कर रहे हैं, बिल्कुल आप करते रहिए, लेकिन जहां जहां आपको काले कपड़े पहनने चाहिए थे, ये भी आपको याद करना बेहद जरूरी है कि आपने जब 2G स्कैम के नाम पर 176,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तब क्या कभी आपने मुनासिब समझा कि काले कपड़े पहने? जब निर्भया कांड हुआ, तब क्या आपने कभी मुनासिब समझा कि काले कपड़े पहने? मणिपुर जब पहले सुलगता रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सुलगना जायज है या अभी सुलगने के नाम पर जो विरोध किया जा रहा है वो नाजायज है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब मणिपुर सुलग रहा था तब काले कपड़े पहन करके आप क्यों नहीं आए? जब पश्चिम बंगाल में सिंगूर आंदोलन चल रहा था, किसानों पर जब जुल्म किया जा रहा था, तब आप काले कपड़े पहन करके क्यों नहीं आए? जब कोल स्कैम हुआ देश में, देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी गई, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? जब सत्यम स्कैम हुआ, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? जब देश में अब्दुल करीम तेलगी स्कैम हुआ, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? जब किसानों ने आत्महत्या की, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? जब कैश फॉर अनाज के लिए पैसे वाला जो स्कैम था, जिसमें नटवर सिंह को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी, तब आपने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? काले कपड़े विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है, अपना अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ें जाननी और समझनी बेहद ज़रूरी है। आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको ये समझना होगा कि एक दिन अगर आप संसद भवन के अंदर बवाल करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलती, तो मेरी गाढ़ी कमाई के या आम जनता जो देश के जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी कमाई के पैसे रोजाना 9 करोड़ रुपए आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। वो 9 करोड़ जो संसद को सुचारू तरीके से चलने पर जाना चाहिए था। आप अगर 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो आप 1,44,00,000 रुपए मेरे बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर आप 1 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, तो आप 2,50,000 रुपए 1 मिनट में मेरे उड़ा दे रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। क्या इसके लिए आप काले कपड़े पहनेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, विरोध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन विरोध के नाम पर फोटो अप वीडियो अप मत कीजिए, विरोध के नाम पर हंगामा मत कीजिए। विरोध अगर करना है तो चर्चा का इंतजार कीजिए ना, अपने फैक्ट लेकर के आइए। आप विरोध ही अगर आपको करना है, अगर विरोध करना है विचारों के आधार पर विरोध कीजिए ना, शब्दों में आपके अगर विरोध है तो इसमें हो हल्ला की बजाय आप फैक्ट लेकर के आइए, आप डेटा लेकर के आइए, आप रिसर्च लेकर के आइए, आप केस स्टडी लेकर के आइए, तब आप विरोध करेंगे तो शायद देश की जनता आपको स्वीकार करेगी भी, वरना यह विरोध सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रामा नजर आता है। विरोध कीजिए, लेकिन विरोध करने के नाम पर कम से कम जनता का मखौल मत उड़ाइए, विरोध करने के नाम पर मणिपुर को अखाड़ा मत बनाइए, विरोध करने के नाम पर मणिपुर को भड़काने की कोशिश ना करें। काले कपड़े आज क्या आप आगे भी पहनते रहें, पूरे सत्र के दौरान पहने, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, आपके कपड़ों के कलर से एतराज नहीं है, लेकिन कपड़ों का रंग बदल करके आप क्या बदल लेंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर आपको वाकई कुछ बदलना है तो विचारों के आधार पर बहस की शुरुआत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से बहस की शुरुआत कीजिए, जैसे अटल जी किया करते थे, जैसा इसी संसद में पीलू मोदी जैसे नेताओं ने किया है, या इसी संसद में चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने किया है, इसी संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने किया है, वैसी बहस करने का मादा रखते हैं तो कीजिए, वरना सिर्फ काले कपड़ों से काम नहीं चलेगा। नमस्ते।